सूरह फातिहा को कुरान की सबसे महत्वपूर्ण और महानतम सूरहों में से एक माना जाता है। इसे उम्मुल किताब यानी किताब की माँ और अस्सबा अल मसानी यानी सात बार दोहराई गई आयतें के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फजीलत को हदीसों में भी विस्तार से बताया गया है। सूरह फातिहा की फजीलत शिफा। इस सूरह को पढ़ने से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से शिफा मिलती है। इसे रोगों के इलाज के लिए भी पढ़ा जाता है। यह सूरह एक दुआ भी है जिसमें अल्लाह से रहमत, मार्गदर्शन और सहायता की प्रार्थना की जाती है। नमाज का हिस्सा। हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना अनिवार्य है। यह नमाज का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना नमाज पूरी नहीं होती। रिज्क में बरकत। सूरह फातिहा को पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकतें मिलती हैं, खासकर रोजी रोटी में बरकत आती है। हिफाजत। इसे नियमित रूप से पढ़ने से हर प्रकार की बुराई, नजर और शैतानी ताकतों से हिफाजत मिलती है। सूरह फातिहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूरह है जो न केवल हमारी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करती है बल्कि इसमें रूहानी ताकत पाने की भी शक्ति होती है। सूरह फातिहा को नियमित रूप से पढ़ने से व्यक्ति की रूहानी ताकत और अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होता है। सूरह फातिहा को पढ़ने से पहले वुजू करें। वुजू के साथ पढ़ा गया कुरान आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने में अधिक प्रभावी होता है। पाक साफ जगह चुनें। एक शांत और पाक जगह पर बैठें जहां आप बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सकें। नियत करें, दिल से नियत करें कि आप अल्लाह से रूहानी ताकत पाने के लिए सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। आपकी नियत और इरादा जितना साफ और मजबूत होगा आपकी दुआ उतनी ही प्रभावी होगी। जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हों तो अल्लाह की रहमत, मार्गदर्शन और उसकी दी हुई ताकत की कल्पना करें। यह आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने में मदद करेगा। दुआ करें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अल्लाह से विशेष दुआ करें कि वह आपको रूहानी ताकत, धैर्य और मार्गदर्शन दे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दुआ करें। रोजाना सूरह फातिहा को एक निर्धारित समय पर पढ़ने की आदत डालें। इसे जितनी बार संभव हो पढ़ें। नियमित अभ्यास आपके दिल और रूह को शांति और ताकत देगा। नमाज में पढ़ें। अपनी हर नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ें और ध्यान रखें कि इसे सही ढंग से और समझ के साथ पढ़ा जाए। रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए आपकी नियत, ईमान और अल्लाह पर यकीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सूरह फातिहा को पढ़ते समय इन बातों का ख्याल रखना आपकी रूहानी ताकत को और अधिक प्रभावी बना सकता है। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनमता अलैहिम गैरिल मग्जूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन।